वेलकम एवरीवन। नमस्कार बच्चों, अट नहीं रही कविता, आज इसके हम प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। आप साथ साथ नोट डाउन करके नोट्स बनाते जाइए। तो पहला प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है। मैं आपको बताऊंगी कि छायावाद की आप ही बात करते हैं। अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना, यानी कि हमारे मन के भीतर जो भाव होते हैं, हमारी भावनाएँ होती हैं, उन भावनाओं का हमारी जो दुनिया है, आसपास की दुनिया है, उसमें हम कैसे उन्हें एडजस्ट करते हैं, छायावाद किसे कहा जाता है, ये तो ये प्रश्न आ जाता है कई बार, तो आपको पता ही नहीं होगा, तो आंसर लिखने में आपको रटना पड़ेगा, इसलिए समझ लीजिए। तो कविता की किन पंक्तियों को पढ़ करके यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। तो इसमें ये देखो, ये वाली जो पंक्तियाँ हैं ना, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, यानी कि ये बाहर की दुनिया हो गई, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्प माल। अब कहीं कहते हैं कि गले में प्रकृति के मंद गंध यानी धीमी धीमी गंध वाले पुष्पों की माला है, पाट पाट शोभाश्री यानी हर पत्ते पर शोभाश्री यानी सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता। ये तो यहाँ कवि के मन के भाव हैं जो बाहर की दुनिया को ये साथ मिलकर के कविता की रचना कर रहे हैं, यानी शोभा जो है वो पट नहीं रही है। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? देखो, अज्ञात सत्ता रूपी कवि के प्रीतम प्रभु फागुन की सुंदरता के कण कण में व्याप्त हैं। अज्ञात सत्ता रूपी यानी कवि को पता नहीं है कि उसका प्रिय कौन है, लेकिन यहाँ पर प्रिय जो है प्रकृति के रूप में है, जो नेचर है उसके सामने भगवान के रूप में आई है। और फागुन के मंथ में, फाल्गुन जो है मार्च के आसपास आता है, मार्च में आता है, तो उस समय प्राकृतिक सुंदरता जो है हर कण में व्याप्त हो जाती है, छा जाती है। तो उनकी श्वास के द्वारा प्रकृति का कोना कोना सुगंध से आपूरित था, आपूरित था यानी भरपूर था। वहीं कवि के मन में तरह तरह की कल्पनाएं भरते थे और उनमें विशेष आकर्षण था, उसकी कल्पना में विशेष आकर्षण था, साथ ही प्रकृति में भी विशेष आकर्षण था। तो कवि की आंखें प्रकृति से हट नहीं रही हैं, यही इस प्रश्न में बताया गया है। यहाँ पर उसके ईश्वर जो हैं प्रकृति के रूप में विद्यमान हैं, यानी उसके समक्ष हैं फाल्गुन के महीने में, इसलिए उनकी सुंदरता को देख करके, प्रभु की सुंदरता को देख करके उनकी आँखें प्रकृति के दृश्यों से ओझल होना नहीं चाहती हैं, मतलब वो नहीं चाहती कि हम प्रकृति को ना देखें। उसके बाद प्रश्न आ जाता है, प्रस्तुत कविता में प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो कवि ने प्रकृति की व्यापकता को फागुन की सुंदरता के रूप में प्रकट किया है। प्रकृति की व्यापकता यानी हर जगह प्रकृति छाई हुई है, तो यहाँ पर फाल्गुन महीने की जो सुंदरता है, पेड़ पौधों की प्राकृतिक सुंदरता, उसका वर्णन किया है। प्रकृति की सुंदरता और व्यापकता फाल्गुन में समा ही नहीं पाती है, इसलिए चारों तरफ जहाँ देखोगे वहाँ फूटी पड़ती दिखाई देती है, यानी चारों तरफ पेड़ पौधे फूल पत्ते वो सब दिखाई देते हैं। प्रकृति के माध्यम से परमात्मा की सर्वव्यापकता यानी सभी जगह उपलब्ध होने, यानी हर जगह परमात्मा जो है विद्यमान है, यही बात कवि कहता है। यानी प्रकृति के कण कण में वह परमात्मा को देखता है, ईश्वर को देखता है, और वह परम सत्ता अपनी श्वासों से प्रकृति के कोने कोने में सुगंध के रूप में व्याप्त है, यानी हर जगह सुगंध आती रहती है जब फाल्गुन का महीना आता है। प्रकृति ही कवि को कल्पना की ऊँची उड़ान भरने के लिए प्रेरित भी करती है, यानी वो सब पेड़ पौधे देखता है, हरियाली देखता है, तो उसे लगता है कि कविता लिखे, उसके लिए प्रेरणा का काम करती है और उसकी रचनाओं में सर्वत्र दिखाई भी देता है। प्रकृति की व्यापकता ही मन में तरह तरह की कल्पनाओं को जन्म देती है। वन का प्रत्येक पेड़ पौधा इसी सुंदरता से भरकर शोभा देता है, सुंदरता शोभा यानी सुंदर दिखाई देता है। प्रकृति की व्यापकता नैसर्गिक सौंदर्य की मूल आधार है, नैसर्गिक यानी प्राकृतिक सौंदर्य की मूल आधार है।
प्रश्न आ जाता है कि फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। तो फाल्गुन का जो महीना होता है वो मस्ती से भरा हुआ होता है और सारी प्रकृति को नया रंग प्रदान कर देता है। पेड़ पौधों की शाखाएं हरे भरे पत्तों से लग जाती हैं और इससे वन की शोभा का वैभव पूरी तरह से प्रकट हो जाता है। इस ऋतु में ना ही गर्मी होती है और ना ही सर्दी की ठिठुरन, और यह महीना तो अपार सुखदायी बनकर सबके मन को मोह लेता है। तो इस तरह के जो ये वर्ड्स हैं हिंदी के लिटरेचर के वर्ड्स हैं, जब आप अपने प्रश्न में लिखते हैं तो आपको निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स दिलाने में सहायक होगा। बच्चों समझ में आपको आ गया होगा, आई थिंक सो। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। अब निराला जी ने जो त्रिपाठी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की कविता आप देख रहे हो, तो इसकी विशेषताएं क्या है? सबसे पहले क्या है, विद्रोही कवि थे। विद्रोही आपने उसमें देखा है जो अभी हम उत्साह कविता किए थे पिछले लेक्चर में, तो इसलिए उनके काव्य शिल्प में भी विद्रोह की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। उन्होंने कला के क्षेत्र में रूढ़ियों और परंपराओं को स्वीकार नहीं किया था, यानी कि उसने पुरानी जो रूढ़ियाँ चली आ रही थी, परंपरा चली आ रही थी, वही पुराने लोग क्या कर रहे हैं, वही उन्होंने नहीं किया, उससे हटकर कुछ करने की कोशिश की है। वे छायावादी कवि थे, इसलिए शिल्प की कोमलता उनकी कविता में कहीं ना कहीं अवश्य बनी रही थी। छायावादी का मैंने आपको तात्पर्य बताया था, यानी कि अंदर के भावों का बाहर के साथ सामंजस्य बिठाना। उनकी कविताओं के शिल्प में विद्यमान प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं, मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। भाषागत कोमलता है, भाषागत कोमलता है उनके कविता में, कोमलता, शब्दों की मधुर योजना है, लाक्षणिक प्रयोग है, संगीतात्मकता, चित्रात्मकता, लोकगीतों जैसी भाषा, मुक्त छंद और अलंकार योजना, ये सभी मिलकर के उनकी कविता को काफ़ी अच्छा रूप प्रदान करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे किसी भी चैप्टर के, तो आप ज़रूर वो भी देख लीजिएगा। क्लास 10th के भी चल रहे हैं क्वेश्चंस। इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि आपको कौन से प्रश्न और पढ़ने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।